श्रीमंत के आदेश का पालन करते हुए निजाम हैदराबाद, मैसूर के हैदर अली साहब और मुंबई के गवर्नर बहादुर को खिलत और सद्भावना संदेश भेज दिए गए हैं। तमाम मराठा सूबेदारों, जागीरदारों, अमीरों और सेनापतियों को संदेश, श्रीमंत की जय हो। नारायण राव के दरबार से हमारे दरबार तक, तुमने ये फासला तय तो कर लिया नाना फडणवीस, लेकिन अपनी वफादारी बाहर छोड़कर आए हो या साथ लेकर आए हो? श्रीमंत, वो मेरे दिल में है। कुछ और वफादारों को भी मैं अपने साथ लाया हूं, वो मेरे पीछे हैं। तुम्हारी और इन सब की वफादारी को हम शक की नजर से देखते हैं। तुम वफादारी की शपथ भी लोगे तो हमें विश्वास ना होगा। श्रीमंत, कारण बताने का कष्ट करेंगे? अतीत में तुम स्वर्गवासी बालाजी बाजीराव, माधव राव और नारायण राव को अपने सर आंखों पर बिठाते थे और दिल में हमसे क्रोध रखते थे। अचानक ये परिवर्तन कैसे आ गया जो अब हमसे वफादारी जताने लगे? ये परिवर्तन इसलिए आए श्रीमंत कि अब आप इस गद्दी पर बैठे हैं और मैंने हमेशा गद्दी पर बैठने वाले से ज्यादा इस गद्दी को सम्मान दिया है, जो मराठा राज्य की शक्ति, एकता और महानता का चिन्ह रही है। आप बुरा ना माने श्रीमंत, सच बात तो यही है कि मैं और मेरे साथी इस गद्दी की खातिर आपके वफादार हैं। अगर आप विश्वास करें तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, और ना करें तो हम राजनीति के महल को छोड़कर अपनी अपनी कुटिया में जा बसें। नहीं नाना, हमें तुम्हारी जरूरत है। हम तुम पर विश्वास करते हैं। ये गद्दी और ये पेशवा तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का स्वागत करते हैं।